जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाप्स हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में बताया था इस चैनल के माध्यम से, जो कि बीएसएफ में वैकेंसी आई हुई थी, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में बताया हुआ था कि फार्म जब से स्टार्ट हो जाएगा मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम से बताऊँगा। वह फार्म जो है स्टार्ट हो चुका है। एक बार और जो पूरा डिटेल है इस वीडियो में बता रहा हूँ। वैकेंसी निकली हुई है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, बीएसएफ ग्रुप वैकेंसी 2022। डिपार्टमेंट जो है बीएसएफ है। पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर आर्कचीट सब इंस्पेक्टर वर्क, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। साथियों बताना चाहता हूँ, टोटल वैकेंसी जो है 90 पोस्ट है। फार्म अप्लाई डेट बता रहा हूँ 25/4/2022। साथियों आज ही के डेट में फार्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जो भी इच्छुक हैं वो जाके फार्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। फार्म अप्लाई डेट जो है 25/4/2022 है। फार्म लास्ट डेट है, फार्म का लास्ट डेट है 8/6/2022। एग्जामिनेशन फीस बता रहे हैं, जनरल और ओबीसी को 247.20 रुपया लगा है, एसी एसटी को 47.20 रुपया लगा है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कैंडिडेट इंस्पेक्टर आर्कचीट में पोस्ट अप्लाई करेगा उसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री इन आर्कचीट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विथ काउंसिल ऑफ आर्कचीट होना अनिवार्य है। सब इंस्पेक्टर दूसरा जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वर्क का है, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको बता दें सब इंस्पेक्टर वर्क की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो इन सिविल इंजीनियरिंग में फार्म इंस्टीट्यूट जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या तो भारत सरकार या तो राज्य सरकार का होना चाहिए। साथियों तीसरा पोस्ट जो निकला है सब इंस्पेक्टर वर्क का निकला हुआ है, इसमें क्वालिफिकेशन बता दें पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी गवर्नमेंट सरकार भारत सरकार नहीं तो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए। और साथियों तीसरा पोस्ट जो निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार का होना चाहिए नहीं तो राज्य सरकार का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें एज काउंट की तो 8/6/2022 से जनरल कैटेगरी को 18 से 30 वर्ष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 18 से 33 वर्ष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एसी एसटी के कैंडिडेट 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया यानी सेंटर एग्जामिनेशन ऑल इंडिया ओवर के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जो कि बीएसएफ की जो वैकेंसी है पूरा डिटेल में बता देते हैं। बीएसएफ ग्रुप बी वैकेंसी डिटेल है, पोस्ट नेम जो है इंस्पेक्टर आर्कचीट में एक पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर
वर्क में 57 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर वर्क में 57 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में 32 पोस्ट है, टोटल 90 पोस्ट निकला हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है साथियों, जाकर आप जो भी इच्छुक हैं, क्वालिफिकेशन जिनकी है जो बोला हूँ वो जाके आवेदन कर सकते हैं। आज से ही स्टार्ट हो गया है फार्म ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें, BSF ग्रुप भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, आगे का जो प्रोसेस होगा, पहले फिजिकल PET PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरा रिटेन एग्जाम होगा, फिर तीसरा टेट टेस्ट, चौथा मेडिकल होगा, उसके बाद पांचवा फाइनल सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए साथियों, वंशिका आल जाब सिंधी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद साथियों।